भाजपा नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना के प्रयास से कई सालों से रुके साई बाबा पार्क गेट के सामने एवं शाइन नगर मलाड वेस्ट में कार्य की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों श्रीफल तोड़कर की गई। इस दौरान मौजूद रहे भारतीय क्षमता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, जिला अध्यक्ष अमर शाह और एवन शाइन की जनता उद्घाटन के दौरान मौजूद रही, साथ ही अरदास भी किया गया। नहीं, इस वार्ड में जया बहन है, तेजिंदर है, सतनाम तिवाना। मैंने एक बार लोगों को कहा था कि आपको एक वोट में तीन नगर सेवक मिले हैं, यानी इतने स्पीड में सारे लोग काम करते हैं। और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और सोसाइटी के भी जो चेयरमैन सेक्रेटरी है, ये बहुत ही दिलचस्पी से अपने अपने परिसर को कैसे ब्यूटीफाई किया जाए इसके लिए काम करते हैं। और इस साल में आपने देखा कि बजट में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने शपथ लेने के बाद में देवेंद्र जी फडणवीस दोनों मिलकर मुंबई शहर के सारे रास्ते कॉन्क्रीटाइज करने का निर्णय किया, और उसका लाभ हमारे इस परिसर के लिए भी मिला। जया बहन ने बहुत उसके लिए प्रयास किया, इसका भूमि पूजन हमने किया और बहुत ही जल्दी ये काम पूरा होकर लोगों को उपयोग में आए। इस प्रकार की स्थिति में हम तेजी से काम करेंगे। तो गोपाल जी, जब आप कहीं भी भूमि पूजन करते हैं, फिर आपकी नज़र कितनी उस पे बनी होती है कि वहाँ का काम तेजी के साथ पूर्ण हो? मेरा एक स्वभाव है, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं गोरेगांव से आ रहा था तो मेरा नज़र फुटबॉल ग्राउंड पर पड़ा, जिसका भूमि पूजन मैंने कुछ दिन पहले किया था। तो बहुत तेज़ी से कंपाउंड वॉल का काम अभी चल रहा है, हम जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे और एक बहुत ही कम समय में उसका हम लोकार्पण भी लोगों के लिए करेंगे। आफ्टर ऑल ये जब काम अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्टर 3 महीने का काम कुछ 6 महीने लगाता है। आप काम करते हैं तो वो उसका आनंद जो होता है नागरिक उठा नहीं पाते, परेशान हो जाते 3-6 महीने में। तो जितना हो सके उतना प्लानिंग करके जल्दी होगा काम तो लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा। तो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जैसे माँ घर में भोजन बनाती है लेकिन 1 बजे के जगह पर 3 बजे भोजन देगी बच्चे तो फिर परेशान हो जाते हैं, खाने का टेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो काम है उसका भी सही समय पर बनता है तो उसका टेस्ट आता है, तो ये मैं ध्यान रखता हूँ। अपने वार्ड में लगातार सड़कों का काम करना स्टार्ट किया और आज एक बार फिर एक उद्घाटन किया गया है यहाँ की सड़क का, किस तरह? बहुत ही ज्यादा खुशी है, जितना घर में एक प्रोग्राम होता है उसमें खुशी मिलती है आनंद की, उतना मुझे खुशी है कि बहुत सालों से गोविंद जी ने जो MP थे तभी उसको फंड दिया था, थोड़ा डामरीकरण किया था, उसके बाद में थोड़ा APU में था, नहीं सामने वाला गार्डन सतनाम जी उसके सेक्रेटरी, बाकी सब कमेटी है, तो काफ़ी यही एक काम बचा था स्ट्रीट लाइट का, तो स्ट्रीट लाइट का काम तो हुआ। हर बिल्डिंग से हमने एक लेटर सतनाम जी और हमने कोशिश करके सभी ने सहकार्य किया, सभी बिल्डिंग वाले ने सहकार के लेटर दिया, उसके बाद में मैंने CCK में भी डाला था और उसके बाद में कबरे साहब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैडम मैं तुम लोग को यही करेंगे। महापालिका का बड़ा हद है कि वो लोग सहयोग से उनका हुआ है, और पब्लिक के लिए रोड बहुत मायने रखता है कि यहाँ 10,000 से ऊपर बस्ती है और हर बिल्डिंग रीडेवलप हो रहा है, आगे आने वाले फ्यूचर में पब्लिक अपनी और बाहर से आने वाले सभी लोगों को इसका फायदा होगा। क्या लगता है जिया जी, क्या वजह रही कि इतना लंबा समय लग गया इस रोड का काम? इसका मैडम हैंडवरिंग नहीं था, नहीं हैंडवरिंग होने से महापालिका को एक टैक्स भरना पड़ता है रोड फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट का, वो भरा नहीं गया था। क्या होता है बिल्डिंग में जब रेडी होती है तभी लोग ये नहीं पूछते कि आपका रोड का पैसा भरा है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट का पैसा भरा है कि नहीं, फुटपाथ का पैसा, ये लोग घर में अपना घर लेते हैं और अपने खाली बिल्डर से एग्रीमेंट करते हैं, बाद में कमिटी बनाते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद में बिल्डर ने क्या किया इसका कोई पूछता नहीं है कि आपने ये भरा है कि नहीं, तो उसका लेटर हमें दे दो, आने वाले फ्यूचर में हम इसका राइट उपयोग करेंगे। तो वार्ड 47 में और क्या क्या काम है जो मैडम, और जो 40 साल से और एक रोड बना नहीं है, जब गुरु कृपा से मेरा एक रामनगर तक रोड बन रहा है, आपने देखा होगा एक बाउडी लेन से बना था, थोड़ा बारिश की वजह से रुका था, सीमेंट का रोड है, उसके सामने कावेरी टू गुरु कृपा एक 40 साल से ऐसे स्ट्रीट लाइट डाले थे मैंने 2018 में, अरे वो रोड भी आया हुआ है, लेकिन सबसे मेरी कुछ मेरी तमन्ना थी कि ये रोड चालू है, तो मैंने इसीलिए बहुत सारे ऑफिसर को प्रेशर ये करके वो लोग ने मेरे बात मान सम्मान देके ये रोड सबसे पहला मुंबई का ये रोड चालू हुआ। कितने पब्लिक को इसका लाभ मिल पाएगा और आपको लगता है ये रोड का काम होना बहुत जरूरी है?
बिल्कुल, आज साई बाबा पार्क में जो ये लेआउट है वर्षा नगर का, वहाँ पर आपने देखा कि आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के हस्ते यहाँ पर भूमि पूजन हुई, और भूमि पूजन के अंदर जो सैकड़ों की संख्या में जो स्थानिक रहवासी उपस्थित थे, उनके मन में जो खुशी की लहर थी, एक आनंद उत्सव, एक दिवाली ऐसे पर्व के तौर पे आज साई बाबा के रेसिडेंस के सभी रहवासी और अवरशाह नगर के सभी रहवासी ये दिवाली के तौर पे आज इस मना रहे हैं, और इनके मन में इतनी खुशी है कि 40 साल के इतिहास के अंदर पहली बार ये साई बाबा पार्क लेआउट, जो एक 15,000-20,000 लोगों की बस्ती है अवरशाह नगर, तो ये 15,000-20,000 लोगों के मन में, उनके घरों के अंदर एक उत्साह की लहर है कि 40 साल के बाद यहाँ पर इतना बढ़िया एक सीमेंट कंक्रीट रोड बनने जा रहा है, जिसके वजह से जो अवरशाह नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो एक विचारधारा लोगों के मन में कि अवरशाह नगर को जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है नगर सेविका जया तिवाना जी और सतनाम सिंह तिवाना जी और सभी रहवासी, उनके मन में एक ऐसा विचार था कि अवरशाह नगर को सबसे ग्रीन और क्लीन बनाया जाए, ताकि एक उदाहरण के तौर पे मॉडल ऐसा एरिया पूरे मुंबई में अवरशाह नगर हो, तो वो कहीं ना कहीं बनते हुए आज सभी को दिख रहा है। तो तजिंदर जी, आप पूरे मुंबई के हक की लड़ाई जनता के लिए आप लड़ते आ रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ मलाड में और ऐसे कौन से काम है जो रुके हैं और आपको लगता है उसे करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा तो पिछले 25 सालों के अंदर एक सांप के तरह ऐसे भ्रष्ट लोग, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो सांप के तरह नाक के तरह भ्रष्टाचार फैलाते हुए पूरे बीएमसी के अंदर पिछले 25 सालों से लगे थे, और आज एक परिवर्तन की लहर पूरे मुंबई में 500 से भी ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम ये आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये मुंबई में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो मुंबई के सीमेंट कंक्रीट रोड्स है, वो ऐसी कंपनियां बनाएगी जिसको कभी मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर के नाते एंट्री नहीं मिलती थी, और वो कंपनियां डिफेंस के भी रोड बनाते थे जो सालों साल टिकते थे, ऐसी कंपनियां को मुंबई में लाने का काम ये एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। तो ये सभी युवाओं में भी खुशी की लहर है कि उनके सपनों का मुंबई ये बनता हुआ दिख रहा है।